प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के रूप में आएंगी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित। प्रियंका गांधी जिंदाबाद के ये नारे आपने सुने। ये नारे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बनारस आगमन से पहले उनके स्वागत में लगाए गए। दरअसल प्रियंका गांधी अपने एक दिवसीय दौरे और किसान न्याय रैली को संबोधित करने के लिए रविवार को वाराणसी आ रही हैं। किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी दुर्गा कुंड मंदिर में माता कुष्मांडा के दर्शन पूजन करेंगे। चूंकि नवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है, इसीलिए पूरे बनारस में प्रियंका गांधी को माँ दुर्गा के रूप में दिखाते हुए पोस्टर चस्पा किए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस रैली को लेकर जो पोस्टर जारी किए हैं, उन्हें ऑटो से लेकर गली मोहल्ले की दीवारों तक पर लगाया गया है। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं। इस पोस्टर में प्रियंका गांधी को दुर्गा शक्ति के स्वरूप में दिखाया गया है, जो किसानों के हत्यारे स्वरूप महिषासुर का वध कर रही हैं। इस पोस्टर को जारी करने वाले बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता हरीश मिश्रा ने बताया कि प्रियंका गांधी रविवार 10 अक्टूबर को बनारस आ रही हैं। किसान न्याय रैली में वो जनता के बीच किसानों की बात और उनका हक दिलाने की बात करेंगे। कल 10 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जी, जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, कल वो बनारस के अंदर एक बड़ी जनसभा कर रही हैं। आज पूरे बनारस में यह पोस्टर हम लोगों ने चिपकाया है। या आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के स्वरूप में हम लोगों की बहन प्रियंका गांधी हैं और महिषासुर के रूप में किसानों का हत्यारा है। लगातार जो प्रदेश और देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों को जो मारने की साजिश कर रही है वर्तमान सरकार, उसके रूप में प्रतीक स्वरूप में यह महिषासुर बनाया गया है। और नवरात्र का महीना चल रहा है, इसलिए बहन प्रियंका गांधी को दुर्गा का रूप दिया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है सुस्वागतम प्रियंका गांधी। बनारस के अंदर कल लाखों किसानों का एक बड़ा सम्मेलन बहन प्रियंका गांधी जी जगतपुर में कर रही हैं। हम लोग पूरे बनारस के अंदर यह पोस्टर चिपका करके यह संदेश देना चाहते हैं कि किसानों का जो विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसानों की जो हत्यारी सरकार है, बहन बेटी और रोटी और खेती का जो सवाल बहन प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के सड़कों पर लड़ रही हैं, उसको सफल बनाने के लिए जो है यह पोस्टर आज लगाया गया है। सभी बनारसियों से निवेदन है कि उनके जनसभा में पहुंच करके किसानों के हत्यारों के खिलाफ एक बड़ा बिगुल फूकें, जो सन 2022 में भारतीय जनता पार्टी और योगी की जो सरकार है, क्रूर सरकार है, वो सत्ता से बाहर जा सके। नवरात्र के पावन पर्व में चौथे दिन पहुंच रही प्रियंका गांधी धर्म की नगरी काशी में माता कुष्मांडा के अति प्राचीन मंदिर दुर्गा कुंड में दर्शन और पूजन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी आने वाले चुनाव में दुर्गा रूप लेकर किसानों के हत्यारों का सर्वनाश करेंगे, यानी कि वर्तमान सरकार को वो हरा देंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र प्रियंका का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रियंका मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुंकार भर के जनता के बीच संदेश देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इस दौरान लखीमपुर खीरी का मुद्दा भी वो उठाएँ। प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।